हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग होने वाला है Q&A। जी हाँ, आप लोगों के सारे सवालों के जवाब आज हम यहीं पे देंगे भाई, यहीं पे आज के आज। जी हाँ, इसी जगह पे भाई। और हमारे साथ जलपरी भाई भी आज बैठे हुए हैं, आप देख ही सकते हैं। ब्लैक कलर का शर्ट लगा के आए हैं भाई, एंड फेस वॉश करके आए हैं। अभी बता रहे थे कि फेस वॉश करके आए हूँ। थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी देने के लिए मुझे। और शुरू करते हैं कार्यक्रम। मैंने टिकटॉक पे स्टोरी लगाया था कि यूट्यूब के लिए क्यों नहीं कर रहा हूं, तो पूछो कुछ कमेंट सेक्शन में। भाई साहब इतने सारे कमेंट्स आ गए, 50-60 से भी ज्यादा कमेंट्स आ गए यार, किसका किसका रिप्लाई दूंगा। जिसका भी रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। सबका रिप्लाई देना तो इम्पॉसिबल है, एक वीडियो में एक घंटे का वीडियो बन जाएगा, क्या फायदा। तो छोटा छोटा करके देता हूँ सबका, जो मेन क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है सुरक्षा खनाल, ये पूछी है। हाय, कैसे हो? हम एकदम बढ़िया, अपना बताइए कैसी हैं आप? ठीक ऑलवेज फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन पूछती है स्वाति नेवार जी। इफ आई आस्क यू फॉर अ डिनर, वुड यू एक्सेप्ट इट? बाय द वे, इट्स नॉट फॉर यूट्यूब, हमने तो ले लिया। तो जी मैं बोलना चाहूंगा आपको कि क्यों नहीं, आप डिनर तो बुलाइए, हम आएंगे, क्यों नहीं। बस डिनर में क्या होना चाहिए? बिरयानी। डिनर में बिरयानी होना चाहिए बस। अब दूसरा, चाय। बस चाय और बिरयानी बना लो, हम लोग कहीं भी सुनते सुनते चले आएंगे। ठीक है, इनविटेशन भेजो, हम आते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं हमजा, मुझे मेंशन करना जरूर करना है। तो क्वेश्चन ये है कि आपका फेवरेट ड्रिंक क्या है? तो मेरा फेवरेट ड्रिंक क्या है? चाय। नाइस। चाय वैसे कभी कभी मैं फिज पीता हूँ, फिज भी मेरा फेवरेट ड्रिंक है, बट नंबर वन इज चाय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं इमरान, ये तो हमारे नवरासी हैं यार। कुछ पूछा मैंने कुछ। तौलेमा कपिल वस्तु कब आओगे? जी मैं एक्चुअली काफी बार आता रहता हूँ तौलेमा, बट आते वक्त किसी को इन्फॉर्म नहीं करता, बहुत ही सुमड़ी में निकल जाता हूँ। तो कोई बात नहीं भाई, नेक्स्ट टाइम अगर आया तो मैं आपको डीएम करूंगा इंस्टा पे, मिलेंगे जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सभ्या जी पूछ रही है, वी नीड डेली व्लॉग, इज इट पॉसिबल? हिंदी में बोलिए ना, ज्यादा प्यारी लगती है। तो जी हाँ, क्यों नहीं, डेली व्लॉग भी पॉसिबल है, एंड डेली व्लॉग करने में कुछ दिक्कतें आती हैं, उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा आपके सामने। देखो, डेली ब्लॉग्स करना है तो उसके लिए कंटेंट चाहिए होता है, कि रोज रोज कंटेंट क्या दें, एंड मेरी लाइफ में उतना कुछ खास होता नहीं है रोज रोज की ब्लॉग बना सकूं। बट आगे चल के बस कुछ ही दिनों में या महीनों में, उसके बाद आप लोगों को डेली ब्लॉग्स मिलेगा, आई प्रॉमिस। इधर ही हो ना, कहीं जा तो नहीं रहे ना, सब्सक्राइब करे हो ना। कुछ दिनों में मैं ट्रेवल में भी निकलने वाला हूँ, कुछ दिनों के लिए, लाइक 30-40 दिनों के लिए, तो लगातार ब्लॉग्स आएंगे। बट थोड़ा सा रुक जाओ, आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है, तो जैसे सपोर्ट करते आ रहे हो सपोर्ट करते रहना। एंड थैंक यू सो मच इतना लवली क्वेश्चन पूछने के लिए। या डेली व्लॉग्स आएगा, पॉसिबल है। डेली व्लॉग करने में और भी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, और धीरे धीरे सब धीरे धीरे सॉर्ट आउट होगा, हम लोग कोशिश कर रहे हैं पूरी की पूरी। तो जैसे ही वो प्रॉब्लम सॉल्व होता है, सब कुछ एकदम सेट हो जाता है, उसके बाद व्लॉग्स ही व्लॉग्स होंगे। एक भी दिन घाटा नहीं होगा ब्रो, डेली के डेली आएगा हमारा ब्लॉग। मैं ऐसे बैठा रहूंगा तो ये बोलता ही रहेगा, इसलिए मैं चुप था। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं हमारे प्रशांत भाई की, आपका हैंडसम होने का कारण क्या है, ये बताएं जरा कारण। देखो कारण ये है कि मेरे पास आईफोन 12 है, सबसे बड़ा कारण। और दूसरी बात यह है कि आपका सवाल जो है इससे होना चाहिए, आई एम नॉट दैट हैंडसम यार। वैसे थोड़ा सा टिप्स देना चाहूंगा, आप लाइफ बॉय साबुन खाया करें घर में। इमान भाई डेली खाते हैं। अरे देखना यार, ट्राई वराई मत कर लेना यार, मजाक कर रहा हूँ, नेचुरली हूँ, क्या करूँ। थैंक यू सो मच इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट देने के। ओ भाई। तो ये क्वेश्चन हमारे मंसूर भाई पूछ रहे हैं कि व्हेन यू स्टार्ट योर यूट्यूब जर्नी। तो गाइज मेरा यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करने का कम से कम 4 साल हो गए, 4 ईयर्स। 4 ईयर से मैं वीडियोस बना रहा हूँ। पहले मैं फनी वीडियोस बनाता था, बट धीरे धीरे क्या हुआ कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स के वजह से, टीम की कमी के वजह से, मेरा शुरू से ही गोल था व्लॉग करने का। वो जो फनी वीडियोस होता था मैं ऐसे ही बनाता था, फन के लिए, इंजॉय नहीं करता था, एक फन के लिए बनाता था, हंसी मजाक में बनाते ना वीडियो, वैसे बना लेता था। मेरा मोटिव यही था व्लॉग्स बनाना,
एक्सप्लोर करना, कहने का मतलब ये कि न्यू न्यू चीजें एक्सप्लोर करना एंड लोगों को, दुनिया को दिखाना। तो या 4 years हो गए। तो अगला क्वेश्चन पूछते हैं हमारे आकिब भाई। माई क्वेश्चन इज व्हाट्स योर फेवरेट कलर, गिव शाउट आउट इन वीडियो प्लीज। शॉर्ट आउट देना है। तो मेरा फेवरेट कलर है ब्लैक एंड व्हाइट बोथ, या ब्लैक एंड व्हाइट अच्छा लगता है। तो अगला सवाल पूछती है सीतू, व्हेन यू विल कम पोखरा। तो पोखरा का क्या है कि एक्चुअली मैं प्लान कर रहा हूँ, बहुत जल्द आने वाला हूँ पोखरा, एंड आने से पहले स्टोरी लगा दूंगा इंस्टाग्राम पे ताकि सबको पता चल जाए कि मैं पोखरा में आया हूँ। तो जितने भी लोग पोखरा से हैं मिलेंगे जल्दी। तो अगला सवाल पूछती है सदीक सा, ये इंटरनेशनल सवाल है, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है। नहीं, हम कोयले से ब्रश करते हैं। हमारे टूथपेस्ट में कुछ नहीं है। तो अगला सवाल पूछ रहे हैं, इनका नाम क्या है यार, डेड, यूजर नेम इनका डेड है। तो ये पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं कि हाउस टूर चाहिए इनको ब्लॉग। तो ठीक है, मैं हाउस टूर का वीडियो बनाऊंगा, बट थोड़ा सा मेरा घर ऊपर वाला थोड़ा सा अभी बन जाने दो, उसके बाद अच्छे से दिखाएंगे घर। तो अगला क्वेश्चन, तो ये हमारे साक्षी जी पूछ रहे हैं कि हाउ ओल्ड आर यू। तो पिछले 4 साल से मैं 21 साल का हूँ। नहीं, मैं रियल में 22 का हूँ, 22 साल की उम्र है, कमली उम्र। तो ये क्वेश्चन हमारे मिलन भाई पूछ रहे हैं कि विच मोबाइल डू यू यूज। तो मेरे पास है आईफोन 12 प्रो, 256 GB वेरियंट का है, एंड काफी अच्छा सेट है यार, कैमरा एकदम ओपी है क्या, लाजवाब। इसी से मैं सारे व्लॉग्स वीडियो इसी से बनाता हूँ। तो ये हमारे अमित भाई पूछ रहे हैं, इनका 2 सवाल है, नहीं 3 सवाल है इनका। इनका 3 सवाल ये है कि योर फेवरेट मूवी, योर फेवरेट यूट्यूबर एंड आपकी एज। मेरे फेवरेट मूवी है डियर कॉमरेड, एंड फेवरेट यूट्यूबर है इरफान जुनेजो, एंड मेरी एज है 22। या तो ये क्वेश्चन हमारे हुमैद भाई पूछ रहे हैं कि भाई यूट्यूब से आपको अभी तक कितना मनी मिला। देखो अर्निंग का क्या है गाइस कि अभी मेरा मोनेटाइजेशन ऑन नहीं हुआ यूट्यूब का, बस कुछ दिनों में होने वाला है, मे बी हो जाए एंड पैसे भी आने लगेंगे। तो अभी तक तो मुझे 1 भी रुपया नहीं मिला है। या आई होप आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। तो ये सवाल हमारे इशरात भाई पूछ रहे हैं कि भाई जान आप सच में नेपाल से हो, अगर नेपाल से हो तो कौन से जगह से। तो ये गाइस काफी लोग पूछते रहते हैं सेम क्वेश्चन कि वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हो, हिंदी क्यों बोलते हो। मैं हिंदी बोलता हूँ इसीलिए लोगों का ये सवाल रहता है कि वेयर आर यू फ्रॉम, कंफ्यूजन हो जाता है थोड़ा लोगों का, पूछना भी जायज है। तो जी गाइस, मैं नेपाल से हूँ, आई एम फ्रॉम नेपाल, एंड कपिल वस्तु जिला में पड़ता है कृष्णा नगर करके एक जगह, वहाँ पे मैं रहता हूँ। यहाँ पे इंडिया एंड नेपाल का बॉर्डर है, इसीलिए मेरी हिंदी इतनी अच्छी है। यहाँ पे ज्यादा इंडियन लोग आते हैं शॉपिंग करने, एंड हम लोग भी इंडिया में जाते हैं शॉपिंग करने। तो या इसीलिए इतना अच्छा मैं हिंदी बोल लेता हूँ, हिंदी ज़्यादा फ्लुएंट है मेरा। यहाँ पे ज़्यादातर लोग हिंदी ही बोलते हैं, इसीलिए yes. बचपन से ऐसे आदत हो गया क्या। तो जी मैं नेपाल से हूँ, आई एम फ्रॉम नेपाल, प्राउड टू बी नेपाली। तो गाइस जो था यहीं तक था, वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं बनाना है वीडियो। तो जिनका जिनका रिप्लाई कर दिया हूँ थैंक यू, कमेंट में बोल देना, एंड जिनके क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं कर पाया आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, नेक्स्ट टाइम लेंगे आपका क्वेश्चन, पिक करेंगे ज़रूर। ऐसे ही कमेंट पूछते रहे, हम लोग जवाब देते रहेंगे। और थैंक यू सो मच 5K करवाने के लिए 5K हो गए हमारे YouTube चैनल पे देखते देखते, एंड 10K भी हो जाएंगे। नेक्स्ट की उन्हें वीडियो हम लोग बनाएंगे 10K पे, तो जल्दी से करवा दो यार, ये वीडियो शेयर कर देना। ओके, ये कान में क्या लगाया, मधुमक्खी है क्या?